Hi students, we are continuing the chapter comparing quantities. In this chapter today we are going to learn compound interest. इससे पहले जो हमने पढ़ा इसी chapter के अंदर that was profit and loss, sale tax, percentage, ratio, discount, I think बहुत सारे topic हमने cover किए. But आज जो हम topic cover करेंगे वो अपने नाम जैसा ही है, compound interest. Means it's a very interesting topic, ठीक है? Which is known as compound interest. In short, I'll write CI means ये compound interest का छोटा form है, ठीक है? अब आप definitely सोचेंगे कि compound interest क्या है? हमने तो simple interest पढ़ा है या interest पढ़ा है? तो student ये बहुत ही important role play करता है बड़ी-बड़ी financial institutions में, जितने भी banks होते हैं, they all follow compound interest. But उससे पहले first we should know about the interest. Then simple interest, then compound interest. आज हम इसे यहीं compare करके बताएंगे. सबसे पहला जो word इसके अंदर include है, that is interest, which is very interesting. How? Because it is related to our home. ठीक है, हमारी day to day life से related होता है. हमारे parents हम लोगों के लिए हमेशा कुछ amount या money save करते हैं. ये तो आपने parents से definitely सुना ही होगा. कोई भी ऐसा किड या चाइल्ड या स्टूडेंट या पर्सन नहीं है जिसके पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट उसके लिए कोई सेविंग नहीं करते हों. डेफिनेटली करते हैं, ठीक है? अब लेट से वो कुछ सेविंग करते हैं तो क्या वो घर में रखते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं उसे, आइदर दे कीप इन बैंक और पोस्ट ऑफिस और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यही करते हैं. क्योंकि लेट से उन्होंने हमारे लिए 5 लाख रुपीज सेव किए टोटल लाइफ में, तो क्या 5 लाख रुपीस वो घर में रखेंगे? नेवर. घर में रखना इज वेरी रिस्की, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, उसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे. हम 5 लाख की जगह एक छोटा पहले रुपीस ले लेते हैं 10,000, जिससे हमें कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है? लेट से हमारे पेरेंट ने हमारे लिए 10,000 रुपीस सेव किए, ऑब्वियस है वो उसको बैंक में रख देंगे. जब उन्होंने बैंक में रखे और लेट से फॉर 4 ईयर या 5 ईयर रख दिए, तो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मनी जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए. अगर हमने 10 रखे और बैंक ने हमें 10 ही पेड किए, तो क्या मतलब रखा बैंक ने, फिर तो हम घर में ही रख देते अपने सेफ में, है ना? तो ऐसा तो हम नहीं करते, तो हम उसे बैंक में रखेंगे. जब बैंक में रखेंगे तो डेफिनेटली बैंक विल गिव सम एक्स्ट्रा मनी. दैट एक्स्ट्रा मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है? अब इंटरेस्ट के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, कितने साल के लिए रखा, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और हमने अमाउंट या मनी जो है वो कितना रखा. यहाँ जो मैं वर्ड अमाउंट यूज कर रही हूँ दैट इज मनी, बट एक अमाउंट आफ्टर इंटरेस्ट के बाद जो कैलकुलेटर होता है दैट इज कैपिटल ए अमाउंट, ठीक है? तो हमने जो भी सम ऑफ मनी डिपॉजिट किया एंड बैंक इज रीपेइंग और बैंक इज पेइंग सम एक्स्ट्रा मनी ऑन दैट पर्टिकुलर रुपीज इज कॉल्ड एन इंटरेस्ट. तो आपको इंटरेस्ट क्लियर हुआ. और इंटरेस्ट, दुनिया का कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो वो इंटरेस्ट नहीं चाहता. आप इंडिया चले जाएं, आप इंडिया से बाहर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है चाहे कोई भी पब्लिक का पर्सन है, वो हमेशा चाहेगा जो भी मेरा रुपीज या सम है वो हमेशा बढ़ जाए, इंक्रीज हो. इंक्रीज जब ही होगा जब उसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, ठीक है? तो इंटरेस्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर इंसान इसको चाहता है, चाहे पुअर मैन हो, रिच मैन हो, कोई भी हो, वो हमेशा इसे बढ़ता हुआ देखना चाहता है. इंटरेस्ट क्लियर हो गया. अब इससे पहले हमने 7th क्लास में जो टर्म पढ़ी थी दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? हमने कंपाउंड तो कभी पढ़ा ही नहीं, हमने जो टर्म पढ़ी थी दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट इज डिनोटेड बाय SI. इन शॉर्ट वी कैन राइट SI. सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला था दैट वॉज P, मैं पूरा ही लिख देती हूँ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. एक्चुअली ऐसा नहीं होता, दैट इज P इंटू R इंटू T बाय 100. बट समझाने के लिए मैंने आपको लिख दिया P इज फॉर प्रिंसिपल. That particular sum of money which we are depositing or someone is depositing to us. कोई हमारे पास भी डिपॉजिट कर सकता है और हम भी कहीं डिपॉजिट कर सकते हैं.
तो ये प्रिंसिपल जो होता है वो डिपॉजिट वाला मनी है, उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। वो हर इंस्टीट्यूशन का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होगा कैलकुलेट करने का, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने उनके हिसाब से होंगे, हमारे हिसाब से नहीं होंगे। टाइम होगा पर्टिकुलर, हमें जितने टाइम के लिए मनी को डिपॉजिट करना है, एंड अपॉन 100। पी इज़ फॉर प्रिंसिपल, आर इज़ फॉर रेट, एंड टी इज़ फॉर टाइम। ठीक है, तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आती थी उसके लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लें, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो, देन विल मूव टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। अ सम ऑफ 10,000 रुपीज, बाय चांस क्वेश्चन में भी 10,000 लिया है, जिससे कैलकुलेट करना आसान हो जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, ठीक है, पर एनम, पर एनम फॉर द 2 years, मीन्स उन्होंने जो भी अमाउंट है वो 10,000 को 15% रेट से 2 साल के लिए डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एंड अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 years। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, 2 साल के लिए हमने से फिक्स कर दिया। मैं थोड़ा सा यहां पर रब करना चाहूंगी क्योंकि मुझे कंपेयर करना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को, तो मैं ये जितना है आप नोट डाउन कर लें, इसे रब कर रही हूं। वापस से क्वेश्चन रिकॉल कर देती हूं। प्रिंसिपल वॉज 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 15% पर एनम, एंड टाइम वॉज 2 years। We need to calculate amount and simple interest. These two terms are not given. ये हमें calculate करना है। Formula मैंने आपको लिखा था, again I am repeating, P into R into T by 100. P is 10,000. बहुत ही simple calculation है इसका, into 15%. Time is 2 years upon 100. ठीक है, 2 zeros कैंसिल, 15 2 30, सो इट इज गिविंग यू 3,000 रुपीज। यहीं पे शॉर्ट में मैं अगर अमाउंट लिखूं, तो अमाउंट इज ऑलवेज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एक्चुअली सिंपल है तो सिंपल, कंपाउंड है तो कंपाउंड, बट अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हम प्रिंसिपल में क्या ऐड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल वॉज 10,000 प्लस 3,000 एक्स्ट्रा मनी हमें मिल रहा है, एंड फाइनली वी विल गेट 13,000 रुपीज। नॉट मी और यू, जिसने भी डिपॉजिट किया है ही विल गेट इन प्लेस ऑफ 10,000 आफ्टर 2 years 13,000 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन हुआ, प्रोसीजर भी सिंपल था और इसलिए इसका नाम भी सिंपल इंटरेस्ट है। बट अब एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, अगर कोई ब्रिलियंट और मनी माइंडेड पर्सन और इंस्टीट्यूशन होगा तो वो डेफिनेटली कहेगा कि ये 2 साल का एक साथ क्यों कैलकुलेट कर दिया, अगर हम इसे 1 ईयर का कैलकुलेट करें तब क्या होगा। और ऑब्वियस सी बात है, हमने एक अमाउंट या मनी बैंक में डिपॉजिट कर दिया, लेट्स से 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिया, तो हम उसे 5 साल तक भूलें क्यों। हम पहले फर्स्ट ईयर में वो कितना हुआ, देन आफ्टर सेकेंड ईयर वो कितना बढ़ गया, आफ्टर थर्ड ईयर, देन आफ्टर फोर्थ ईयर, एंड देन आफ्टर फिफ्थ ईयर। हम ऐसा क्यों नहीं करें, हम डायरेक्ट 5 साल का क्यों निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट करके। ठीक है, अब ये आपको क्लियर होगा डिफरेंस। ठीक है, यही सेम पैटर्न ले रही हूँ, क्वेश्चन भी वो का वही है, हम सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट कर रहे हैं बट 1 by 1। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, डिफरेंस आपको खुद क्लियर होगा, फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूं, 10,000 इंटू 15। नाउ इन द प्लेस ऑफ टाइम विल सब्स्टिट्यूट 1 बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, अपॉन 100,
two zeros cancel. 15 into 100 is 1500 rupees. Now, what is the amount? Principal plus interest for 1 year. अब हमारा जो अमाउंट होगा, मतलब हमारा पैसा भले ही बैंक में रखा हुआ है, बट एक साल में वो इंक्रीज हो चुका है. कितना इंक्रीज हो चुका है? अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट. पी इज व्हाट? 10,000 प्लस उस पे बैंक के पास या बैंक हमें 1500 रुपीस देगा. ध्यान से देखिएगा, ये हो गया फॉर फर्स्ट ईयर. अमाउंट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर जो भी हमने कैलकुलेट किया वो एक साल का किया. नाउ योर प्रिंसिपल इज व्हाट? स्टिल इट इज 10,000? नो, नेवर. अब प्रिंसिपल कितना हो चुका है? 11,500. अगेन ये बैंक के पास हुआ, भले ही हमने उसे निकाला नहीं है, विड्रॉ नहीं किया है, बट हमारा जो 10,000 था वो इंक्रीज होके 11,500 हो गया है. तो जो भी बैंक और इंस्टीट्यूशन है, अब उसके पास सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या है? ये, ना कि 10,000. ठीक है. सो नाउ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि एक साल की तो बात हम कर चुके हैं, दैट इज 11,500 रुपीज. फर्स्ट ईयर के लिए ये अमाउंट था, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मनी और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऐड हो चुका था. 10,000 प्लस 1500, सो इट इज इक्वलेंट टू 11,500. बट फॉर सेकेंड ईयर इट इज प्रिंसिपल. अब आपको एकदम से डिफरेंस क्लियर होगा. जब मैं SI फॉर सेकेंड ईयर निकालूंगी, देखिए कितना डिफरेंस आएगा. 11,500 इंटू आर एस 15 अपॉन 100. 20 से 20 कैंसिल. 115 इंटू 15 विल गिव यू 1725 रुपीज. नाउ अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू 11,000 वॉज द प्रिंसिपल, प्लस उस पे जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिला, दैट इज 1725 रुपीज. इसको हम ऐड करें, सो इट इज इक्वलेंट टू 3225 रुपीज. दिस इज द डिफरेंस, एंड दिस इज वेरी ह्यूज डिफरेंस. सिंपल इंटरेस्ट में हमें जो बैंक या इंस्टीट्यूशन था वो ओनली 3,000 रुपीज दे रहा था दो साल में, जब हमारा प्रिंसिपल क्या था? 10,000. इन द सेम वे अगर हम 1 by 1 कैलकुलेट कर रहे, वो का वो ही पर्टिकुलर 10,000, बट वी आर गेटिंग 3,225 रुपीज. 225 रुपीज कहाँ गया? अगर हमने ये मेथड से कैलकुलेट किया तो बैंक विल टेक दिस अमाउंट, जो हमें पता भी नहीं चलेगा, वो हाइड कर लेगा. ठीक है. तो 225 रुपीज जो था ये हमारा लॉस हो जाता, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाले मेथड से फॉलो नहीं करते तो. ठीक है. तो जो भी मनी माइंडेड पर्सन होते हैं वो हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि हमने जो अमाउंट डिपॉजिट किया उसको, लेट से हमने 10 साल के लिए डिपॉजिट किया फॉर 10 ईयर्स, तो वो वन ईयर के बाद अपना स्टेटमेंट चाहते हैं, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर वो अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा एंड इट विल कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल, वो ऐड हो जाएगा. सेकेंड ईयर वाले में क्या होगा? फिर से उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो और बढ़ जाएगा. थर्ड ईयर में उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो और बढ़ जाएगा. तो ये 1, 1, 1, 1 के थ्रू जब हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट. अभी मैंने भले ही सिंपल लिखा है, बट ये वाला जो प्रोसीजर है, दिस इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट. इसमें हमेशा इंटरेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट. तो अब मैं आपसे पूछूंगी, ये आपके पेरेंट्स को आप क्या बोलोगे, क्या प्रिफर करना चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट. क्या आप आपके पेरेंट्स को सेविंग जो करेंगे उस पर सिंपल इंटरेस्ट चाहोगे? नहीं. आप भी क्या बोलोगे कि नहीं डैडी मम्मी, हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट से कैलकुलेट करना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. डिफरेंस आपके सामने है. सिंपल इंटरेस्ट पे आपको केवल दो साल में 3,000 रुपीज मिले, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको वही दो साल में
वही पैसा रखने पर 3,225 रुपीज मिले। इसको हम और ईयर्स इंक्रीज कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होता जाएगा। सो नाउ आई होप कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लियर होगा। अब मैं आपको जो बता रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, जो भी कंपनीज होती हैं, ये सारी की सारी इनके कुछ आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस होते हैं, उसको फॉलो करते हुए लेंडर और बोरोअर के बीच एक एग्रीमेंट बनता है और वो जो डिसाइड हो जाता है। अगर लेंडर और बोरोअर के बीच में एग्रीमेंट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से सॉल्व होगा, ये पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 7, 7.5, 10, 11, 12, जो भी होगा, वट एवर, वो नहीं मुझे पता, तो लेंडर और बोरोअर के बीच एक फिक्स एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो हम अमाउंट बोले तो रुपीज जो हमें मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट। और हमारे पास अगर किसी ने डिपॉजिट किया और हम जो उसे देंगे, दैट इज अगेन एन इंटरेस्ट। मतलब लेंडर और बोरोअर के बीच का जो रिलेशन होगा और जो वो इंटरेस्ट देगा, वो डिपेंड करेगा उनके एग्रीमेंट पे। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस हम पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, तो आपको और डिफरेंस क्लियर होगा।